हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। जैसा कि फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 7 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो कंपनी द्वारा आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स मामले में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए आईटीआर फाइलिंग के डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर एक्ट के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 के तहत आय की विवरण को प्रस्तुत करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 7 नवंबर 2022 कर दिया गया है। तो और जो निजी कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, तो उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 होगी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्मस के अधीन है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में आपको हम यही तक हम बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।